यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने चिकन अचारी बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपने चिकन अचारी तो बहुत सी जगहों पर खाया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बड़े बूढ़े और बच्चों को सभी को पसंद आएगी। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, जितने प्याज होने चाहिए उतने ही टमाटर होंगे। इसके लिए मैंने 4 ग्रीन चिली ली है, हरी मिर्च और लेमन, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक लिए हैं और 150 ग्राम के करीब दही लिया है। इसमें हमें 3 स्पून सरसों का तेल या फिर जो भी आप कोई ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है, आप भी इसमें। इसमें हम घर का मसाला नहीं बल्कि नूरी का चारी चिकन का मसाला डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। एक बार आपको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये मसाला, थोड़ा सा मसाला हम नेमल में मिलाकर और हरी मिर्चों में भरेंगे। नींबू में डालकर इसे हम थोड़ा थोड़ा हरी मिर्चों भरेंगे, बाकी मसाला हम चिकन डालकर उसमें डाल देंगे। अब इसमें हम मिर्चों में थोड़ा सा मसाला, सारी मिर्चों में मसाला भरेंगे, इससे आपको मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मिर्चों में हमने नूरी का मसाला ही भरा है, थोड़ा थोड़ा लेमन में मिलाकर। हम तेल में प्याज को फ्राई करेंगे और अच्छे अच्छे से चलाते रहेंगे। प्याज पिंक होने तक हमें इसको ऐसे ही चलाते रहना है। जब प्याज पिंक हो जाती है तो उसमें टमाटर भी डाल देना है, क्योंकि टमाटर को और प्याज को हमें पहले गलाना है। चिकन जल्दी गल जाता है, इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को पहले ही गलाना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, प्याज और टमाटर गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालना है ताकि अच्छे से गल जाए, गलाना है ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से गल रहे हैं और तेल भी ऊपर आ गया है, इसलिए हम इसमें चिकन मैश करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहना है, इसका कलर चेंज होना है, धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे। तकरीबन हम 5 मिनट तक इसको इस तरह ही चलाएंगे। इसमें अच्छे से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर डालेंगे और 150 ग्राम के करीब इसमें हम दही पैस करेंगे। और मेन बात है ये मसाला, नूरी मसाला, अचारी चिकन का मसाला नूरी का ही लीजिएगा। ये यूज बहुत अच्छे से होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। नमक थोड़ा सा हम पहले डाल चुके थे, थोड़ा सा ही अगर हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। अब इसको अच्छे से मिलाना है, खूब अच्छे से मिला। हमने अच्छे से मसाले को गोल्ड में चिकन में मिला लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको गलाने के लिए हमें अपने हिसाब से पानी डालना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। हमारा चिकन अचारी तकरीबन बन चुका है और इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम हरी मिर्च मसाले से भरी हुई हम इसको ऊपर दम के लिए रख देंगे। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऊपर से रख देंगे और फिर दम के लिए ढक देंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको दम पर रख देंगे। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो हल्का सा पानी डालकर दम करें ताकि खाने में टेस्टी लगे। हमारा चिकन अचारी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक बार मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा।